गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, मतलब 12 बज चुके हैं। मैंने सोचा फटाफट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। टाइम तो लगता ही है और गर्मी है बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा पे। और आज मैं सोच रही हूँ बनाने की लंच में एक, उसको हम फानो बोलते हैं, यानी कि दाल होती है एक स्पेशल, तो वो तो होती है गर्म, तो लेकिन हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। मम्मी ने बताया था मुझे, छिलके वाली दालें होती है ना, उससे भी बन जाता है। तो छिलके वाली दाल, थोड़ी अरहर और थोड़ी ज़्यादा चने की, उसको भिगो के रख दो, फिर उसको पीस दो, फिर उसको छौंकना है। तो कैसे छौंकते हैं, कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ। और उसके साथ हम खाएंगे सामक के चावल, जिसको कि कहते हैं हमारी भाषा में झंगोरा। तो आज मैं झंगोर बना रही हूँ उसके साथ, एक वो स्पेशल चावल होता है, मैं जो आपको दिखाती हूँ। ये होता है वो ना, आपने देखा होगा, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला है जो ओखली में कूटा हुआ। तो हाँ, ये एक जगह मेला लगा था उत्तराखंड का, वहां से मैं लेके आई हूँ। ये मैंने क्रश किया थोड़ा सा, बाकी है तो सही इसमें पेस्ट, लेकिन इसको जो भुनेंगे ना तो उसका कुछ अलग ही मजा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो मैं बनाने चलती हूँ और दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं, ये हो गया हमारा तेल गरम। तो मैं मिर्चे, हमारे बिना मिर्चे के होगा नहीं, तो ये मैं साथ में थोड़ा सा वो भी चला गया लहसुन, कोई बात नहीं, ये तो चलना ही है, डालना ही है अभी, तो थोड़ा जले ना, साइड कर देते। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें मिर्ची, ये मैं निकाल दूंगी। और मैं लगाऊंगी अपना जखिया का तड़का, मैं ये थोड़ा सा डाल दूंगी जखिया, थोड़ा सा डाल दूंगी जीरा, और पाचन के लिए जो अच्छा होता है उसको भी डाल दूंगी, यानी कि हींग, ठीक है। और उसके बाद मैं डालूंगी ये जो क्रश किया हुआ लहसुन है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, ये इतना तड़केगा नहीं, और जो वो है ना वो मुंह पे आएगा ऐसे। तो मैंने सोचा चलो पहले ऐसे करके दिखा देते हैं। ये जो मैं लहसुन भी डाल चुकी हूँ, तो ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, मैं डाल देती हूँ ये दाल। अब इसको हम खूब भूनेंगे इस दाल को ना। वेलकम बैक गाइस। तो ये देखो मैंने ये चढ़ा दिया, तेल वो हो रहा था, इसी के साथ ही मैं मसाले भी डाल दूंगी, वो भी भुन जाएंगे साथ में, साथ दाल के साथ भी डाल दूंगी हल्दी, थोड़ी डालूंगी लाल मिर्ची, क्योंकि अभी मैंने टमाटो और अदरक का जो पेस्ट बनाया ना टमाटो का, तो उसमें हरी मिर्ची है दो, इसलिए ज़्यादा नहीं डालूंगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा डालूंगी जीरा पाउडर, ठीक है। अब मैं इसको चला लूंगी थोड़ा सा, ऐसे ऐसे भूनती रहूंगी, तो इसको जितना भूनेंगे ना ये सूखता जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे, और फिर फाइनली इसको हम जितना हमें वो चाहिए होगा, रस्सा चाहिए होगा, फिर हम उसमें उतना ही वो कर देंगे। वेलकम बैक। ये काफ़ी देर मेरे को हो गई इसको चलाते चलाते, तो दो तीन बारी मैंने थोड़ा पानी डाला, ये गाढ़ा हो गया, फिर गाढ़ा हो रहा है। तो अब इस स्टेज पर मैं ये टमाटो और उसका पेस्ट भी डाल दूंगी, इसको भी मैं चला लूंगी साथ के साथ। और अच्छे खासे मैंने दो टमाटर बड़े बड़े डाले हैं इसमें खूब अच्छे से, मैं इसको टमाटरों को भी इसके साथ भूनती जाऊंगी दाल के साथ ना, ऐसे मैंने दाल डाली, मसाले डाले साथ साथ, वो भून दिए दाल के साथ मसाले, और साथ में मैंने क्या कहते हैं टमाटो का पेस्ट भी डाल दिया, और उसके 5-7 मिनट के अंतराल में जब थोड़ी सी भुन गई दाल, और फिर मैंने ये भी डाल दिया। तो मैं इसको रिंस कर दिया है जो जिसमें टमाटो किया, तो अब मैं इसको भूनती रहूँगा भून भून के। तो ये देखिए कैसे उबल रहा है, खदक रहा है, यानी हमारे में बोलते हैं थड़क रहा है, ये थड़क रहा है, खदक रहा है, ये खदकता ही रहेगा, और तभी इसका ज्यादा मजा आएगा दाल का, तो खाने में भी बड़ा मजा आएगा, जितनी ये खदकेगी उतनी ही अच्छी बनती है। तो इसका ये सारा दारो मजा नहीं है, और इसको मैं ढक दूंगी प्लेट से लंबी बाटी से, ये अपना खदकती रहेगी। वेलकम बैक गाइस। तो ये मैं धो रही हूँ, अच्छे से वॉश कर दूंगी, और इस पतीली में पानी डाल के बॉइल करने रखूंगी इस तरफ, और ये मैं बिठा दूंगी
गैस पे गरम करने मैंने पतीली चढ़ा दी है ये, ठीक है। इस पे मैंने पानी डाल के रख दिया, इसको मैं धो के उसमें डाल दूंगी। जब ये पानी थोड़ा बॉईल होगा ना, हाँ, तो इसमें कर दूंगी। और फिर जितना पानी ज्यादा होगा ना, इसमें काफी सारा डालना होता है, फिर इसको छन्नी से, ऐसी वाली छन्नी से, जितना एक्स्ट्रा पानी है वो छन्नी से नीचे चला जाएगा, बाकी फिर इसी में डाल के ना नीचे तवा लगाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी वो या तो ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे वाले नहीं चाहिए ना, किले किले वाले चाहिए। फिर हम ये लगा देंगे और धीरे आंच पे ये पकते रहेंगे। तो मिलते हैं, मैं धो के अभी आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल प्योर है, इसमें से बहुत धान निकला जो मैंने साफ करा, काफी गंद निकलता है ना इसमें से। और ये मेरे चावल पानी बॉयल हो रहा है, जब तक मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या हाल है। इसको हम एक बार देख लें, और ये ऑलमोस्ट डन है। ये मैंने निकाल दिया, काफी सारी अच्छे से ये पक चुकी है, काफी देर होगी इसको, 10-1 मिनट से ज्यादा हो गया खदकते खदकते। तो और 10 मिनट इसको मैं करूंगी और मैं इसको फिर बंद कर दूंगी। और इतना मेन टाइम मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जितना हमें चाहिए। अब बढ़ा दूंगी मैं पानी जितना मुझे चाहिए, बस थोड़ा सा और डाल देते हैं और इसको खदकने देंगे, और उसके बाद हम फाइनली इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा फाड़ू पहाड़ी डिश, या हमारे गढ़वाल की फाड़ू दाल की। वो तो बहुत गर्म होती कुल्त की ना, इस समय अभी नहीं बना रहे उसको, इसीलिए इसको हमने 2-3 दालें वैसे मिक्स करके थोड़ा सा और मैंने डाल दिया, क्योंकि खदकेगी ना तो फिर ज्यादा वैसे हो जाएगी, मतलब टाइट हो जाएगी। कर लूंगी इसको और आपको दिखाती हूँ। पानी बॉयल हो रहा है, दिख रहा है आपको पानी बॉयल होता हुआ दिख रहा है ना। तो बस इसी पानी में मैं अब वो डाल दूंगी जो मैंने धो के रखे हैं, ये मैं इसमें उबलते खोलते पानी में डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा चम्मच से चला दूंगी। इससे कर लेती हूँ, ये थोड़ा बड़ा है ना, ये तो कहीं मेरे हाथ ना जले। ये मैंने डाल दिया, जो आसपास लगा रह जाता है वो भी मैंने निकाल दिया, अच्छे से निकाल दिया। ये मैं रखूंगी इधर, तो ये खोल गया है, बस खोलते खोलते पानी में इसको डालना और थोड़ा चलाना है, और एक दो मिनट चलाना है खोलते पानी में, फिर इसको बंद कर देना है। बस ये इतनी देर में बन जाता है गाइस, बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो इसको ऐसे खोलते पानी में ही डाल के चलाना है गाइस। अगर वो करूंगी तो ये नहीं दिखेगा, वो भी करेगी तो शक्ल नहीं दिखेगा, ऐसे ही हो रहा है, ठीक ही नहीं है ये, पता नहीं कैसे करते हैं इसको। ये देखिए खौलता जा रहा है पानी, और इसके अंदर ये मैंने बस इसको थोड़ा सा इसके साथ ही बॉइल कर लूंगी, और उसके बाद मैं तवे पर रख दूंगी, तवा रख के फिर इसको छोड़ दूंगी ढक के, तो ये 1 मिनट में पक जाएगा। वेलकम बैक, और देखिए ऐसे खोल रहा है ये, तो ये हमें ज्यादा नहीं, बस 2 या 3 मिनट ही खोलाना है, तो ये पक जाते हैं इतनी देर में। तो अब इसको मतलब कि ताकि मतलब ये गीले ना हो, तो इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। तो मैं दिखाती हूँ, इसको मैं कर दूंगी ऑफ, और ये ले लूंगी छन्नी, और छन्नी में मैं छान लूंगी। तो मैं आपको इधर कर देती हूँ, कढ़ाई मैंने धोने रखी है, इसके ऊपर मैं रख दूंगी, ये कढ़ाई मैंने धोने रखी है, मतलब ये ज्यादा गंदी नहीं है, वैसे इसमें थोड़ा कुछ बॉइल किया था मैंने, तो वो है। इसके ऊपर मैं ये जो अपना मैंने ये आपको दिखाया था बॉइल करके है ना, चला के इसको मैं थोड़ा सा ऐसे चलाऊंगा, डाल दूंगी कुछ पानी में बाहर निकाल देती हूँ।
कुछ ज्यादा ही है, और ये ऐसे करके और थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके, मतलब कि इसमें मांड नहीं रहनी चाहिए थोड़ी भी, मांड रहने से वो हो जाएगा ना, ये स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया और ये अच्छे से स्टेन कर लेंगे इसको, निकाल देंगे ऐसे स्टेन कर लेंगे। स्टेन करके फिर वापस इधर को आ जाएंगे आंच की तरफ, और अब मैं रखूंगी इसमें ऐसे करके मीडियम आंच पे, तवा हो जाएगा गरम, और उस पे मैं रख दूंगी ये तवा, रख दूंगी तवे के ऊपर मैं ये जो मेरा चावल है, चावल को मैं इसमें, बहुत इजीली बन जाते, कोई इसमें दिक्कत, कोई पहाड़ी नहीं पड़नी। ये देखो मैंने डाल दिए, ये मैंने इसमें पलट दिए, ये मैंने तवे पे रख दिए, और मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी हल्का सा रिफाइंड ऑयल, सो दैट ये चिपके ना, खिले खिले बने, बिल्कुल जरा सा। एक चम्मच को चारों तरफ डाल दिया, और इससे मैं इसको हल्का सा ऐसे छोटा सा साइडों से वो दे दूंगी, और इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, और इसको कर दूंगी बंद, क्योंकि तो बहुत जल्दी बन जाता है। अब इसको लगाएंगे भाप, भाप में ये बन जाएंगे। ये मैंने लगा दिया है लिड कांच वाला, अंदर तो नहीं घुस रहा, बट ये बिल्कुल सही है, फिट है, ये शायद फिट नहीं है, ये फिट है, ये बिल्कुल भी इतनी सी भी आवाज में नहीं जानी चाहिए, ये फिट है ये वाला लिड, ये मैंने लगा दिया। अब इसमें ये पकता रहेगा 5 से 7-8 मिनट तक, और फिर हम इसको बंद कर देंगे, और मैं दिखाऊंगी ये कितना खिला खिला बनाता। ओवर टू हमारा फाड़ू, जो दाल हमने पीस के बनाई है नई डिश, ये देखिए ये भी हो गई तैयार, और बहुत अच्छी बनी है ये, और मैं इसको जब खाना खाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो फिर मैं इसमें धनिया की गार्निशिंग कर दूंगी। तो ये हमारा हो गया फाड़ू तैयार, इधर हमारे चावल हो रहे हैं तैयार, तो अभी मिलते हैं। वेलकम बैक गाइस, तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है रेडी, और मैं इसमें डालूंगी धनिया, धनिया की गार्निशिंग करूंगी। ये मैंने सारा धनिया डाल दिया है, और देखिए हमारा रेडी है, रेडी टू सर्व, और मेरे चावल भी रेडी हैं, मैं चावल भी खाती हूँ आपको। देखिए हालांकि ये नीचे से ऑन है, बस मैं ऑफ ही कर दूंगी इनको, बढ़िया मेरे हाथ में लग गया गाइस, ये देखो। और एक एक चावल का दाना जब मैं आपको पेश करूंगी ना, प्लेटिंग करूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी एक एक दाना इसका खिला खिला बना है। तो ये भी हमारे रेडी हैं, तो मैं सब गाइस मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद मैं आऊंगी सर्व करने, हालत खराब होगी, पूरा ये बिक चुका है। तो मिलते हैं फिर जब मैं प्लेटिंग करूंगी। वेलकम बैक टू ग्रोइंग होप्स, और मैंने बना दिया है जो अपने पहाड़ी डिश, तो बस मैंने चावल डाल दिए, देखा मैंने कहा था ना कि खिले खिले बनेंगे, ये मैंने डाल दिया है, और ये साथ में मैं डाल दूंगी इसके, इसको ऐसे करके खाने में मिला के ना जो उसका मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। तो गाइस मैंने डाल दिया है, और साथ में मैं रखूंगी इसमें एक मिर्च भुनी हुई मेरी जो मैंने रखी है, तो ये मैं लगाऊंगी और मैं खाऊंगी मजे से। तो गाइस मेरी प्लेट है तैयार बढ़िया सी, तो देखिए ये मेरी प्लेट है तैयार, और मैं जा रही हूँ खाने अपना फर्स्ट क्लास पाड़ू, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी गिते गिते बचा, मैं ये दिखा रही थी, ये देखो मैं लगूंगी खाने,
और इंजॉय करूंगी। आप भी बनाएं, ऐसे ही इंजॉय करें और मुझे बताएं, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें कि आपका कैसे बना। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ और मैं खानी, बाय बाय।